आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी जोन पर। दोस्तों, जेई मेन सेशन 2 की रिजल्ट को लेकर फाइनली NTA द्वारा एक बहुत ही बड़ी कंफर्मेशन न्यूज़ निकल कर आ रही है। और फाइनली ये NTA द्वारा ये डिसाइड कर दिया गया है, यह कंफर्मेशन न्यूज़ दिया गया है कि आज ही जो है किसी भी कंडीशन में जेई मेन सेशन 2 की जो है परिणामें जारी कर दी जाएंगी। दोस्तों कैसे वो प्रूफ भी मैं आप सभी को दिखाने वाला हूँ। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि अभी से कुछ घंटा पहले यहाँ पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जेई मेन्स की जो है प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी गई है। और इस आंसर की को दोस्तों कल जारी होना था, पर कुछ टेक्निकल इशू के कारण इस प्रोविजनल आंसर की को यहां पर कुछ घंटे लेट यहां पर रिलीज किया गया। क्योंकि आप सभी को पता है कि इस वेबसाइट को कल भी अपडेट किया गया था और आज भी अपडेट कर दिया गया है। तो दोस्तों इस कंडीशन में यहां पर किसी न किसी फॉल्ट के कारण यहां पर प्रोविजनल के आंसर जो की है वो थोड़ी सी डिले हुई। पर दोस्तों जो सोर्सों के माने, यानी कि NDTV माने, आज तक माने, यहां पर हिंदुस्तान टाइम्स माने, नवभारत माने, उन सभी की एक ही आर्टिकल है। और वो क्या है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। और साथ ही दोस्तों NTA से जब इस चीज को लेकर बात की गई कि सर जेई एडवांस की जो रजिस्ट्रेशन है उसे डिले क्यों किया गया है, तो उनका क्या कहना है, और साथ ही दोस्तों जो इसकी जो एडवांस की जो रजिस्ट्रेशन है वो कब से शुरू होगी उसके बारे में आपको बताने वाला हूं। तो इन दोनों प्रक्रियाओं से आपको यह चीज हमेशा कंफर्मेशन हो जाएगा कि जो आपकी परिणामें हैं वो यहां पर कब जारी कर दी जाएंगी। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि जो सोर्सें होती हैं, जो रिपोर्टर की, उनसे यह बताया जा रहा है कि फाइनली NTA आज फिर से अपनी वेबसाइट को अपडेट करने वाला है शाम 5 या 6 बजे के बीच में, क्योंकि फाइनली यहां पर जो है रिजल्ट को डिक्लेयर करने को लेकर। और साथ ही दोस्तों यहां पर जो कर्मचारियों से जो एडवांस की रजिस्ट्रेशन डिले का कारण पता चला है उसके बारे में आपको बताने वाला हूं। क्योंकि उन कर्मचारियों का यह कहना है कि रिजल्ट के कारण और कुछ टेक्निकल इशू थी इस वेबसाइट पर, जिसको लेकर प्रोविजन आंसर की में काफ़ी टाइम लगा, जिसको लेकर NTA अब जो है वर्क वो काफ़ी तेज़ी से कर रहा है। और जल्द ही, यानी कि दोस्तों कल से उनका कहना है कि फाइनली एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि कल 10, 11 या 12 बजे के बीच में रजिस्ट्रेशन को, जेई एडवांस की रजिस्ट्रेशन को ओपन कर दी जाएगा। तो यानी कि दोस्तों आप किसी भी कंडीशन में NTA द्वारा आपकी आज ही जो है परिणामें वो जारी कर जाएंगी। और जो सोर्सों की माने और जो ग्रुप की माने उसके अपडेट के अनुसार इस अपडेट को यही कंफर्मेशन दी गई है कि फिर से एक बार 7 अगस्त को 5 या 6 बजे के बीच में आप सभी के वेबसाइट को अपडेट किया जाएगा और उसके बाद जो रिजल्ट की जो लिंक है वो एक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों यह एक सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही थी। दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी को काउंसलिंग की हर एक अपडेट और हर एक बेहतरीन सुविधा हमारे चैनल के माध्यम से पहुँचाएगी। दोस्तों तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद।